नहीं पता कौन कहाँ फंसा हुआ है, किस परिवेश में है, कौन किस एब्यूजिव रिलेशनशिप में है, वहीं फंसा हुआ है, जो जहाँ है वहीं रहो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना कीजिए, सरकारों को मेरा खुला चैलेंज एक ही है, आप इतना कीजिए, आप लॉजिस्टिक्स आपके इतने स्ट्रांग हैं, आप हर घर में भिजवा दीजिए, राशन भिजवा दीजिए अपनी गाड़ी से, हर घर में भारत में दूध भिजवा दीजिए और सब्जियाँ भिजवा दीजिए, फ्रूट्स भिजवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई घर से नहीं निकलेगा। और बोलिए कि 14 दिन 14 डेज ही होता है ना आपके अकॉर्डिंग वायरस का ट्रांसमिशन, हर चीज़ आप भिजवा दीजिए घर घर में, और बोलिए जो जहाँ है वही थम्मा, वहीं भी खड़े रहो स्टैचू, जैसे हम लोग बचपन में गेम खेला करते थे गो स्टैचू, तो वही आप बोलिए स्टैचू, और 14 डेज तक कंटिन्यूस भारत के हर घर में आपको भिजवाइए 14 डेज, उसके बाद आपके अनुसार वो रुक जाएगा वो वायरस और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप कर सकते हैं? जब तक नहीं कर सकते हैं तब तक दुनिया की किसी सरकार को, शायद मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई राइट नहीं है लॉक करने का। और दिल्ली में बैठ के, दिल्ली को लॉक करना है दिल्ली को लॉक कीजिए, गांव-गांव में आपको ये इनडायरेक्ट एक ये दिखाकर, दिल्ली ही में ही दिल्ली के सारे न्यूज़ कवर होते हैं, और वैसे वैसे स्टेट्स जहाँ पर इम्यूनिटी इतनी हाई है वैसे वैसे गाँव को लॉक कर दिया गया, लाइक डर बनाया जा रहा है थर्ड वेव चिल्ड्रन में, आपके अंतर्यामी आपने देख लिया थर्ड वेव चिल्ड्रन को टारगेट करेगा, जब तक कि कोई फॉल प्ले नहीं है। जब बोला गया फर्स्ट वेव में सो कॉल्ड बोला गया कि यंगस्टर्स बहुत इम्यून है, उन्हें नहीं होता है, तो उसके बाद क्या कारण है कि अचानक यंगस्टर लोग ही मरने लगे, क्या कारण है इसके? कहीं ना कहीं फॉल प्ले या तो है, और नहीं है तो आप ये सब नाटक बंद कर दिए और फिर धीरे धीरे खोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अचानक से भी अगर खोल दिया जाए तो सब कुछ पटरी पे नहीं आएगा, ये बिलीफ धीरे धीरे लौटेगा। तो खोलने, लॉकडाउन खुलने के बाद भी तुरंत आपकी अर्थव्यवस्था या सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा, उसमें 5-6 महीने का गैप लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपके घर से 15 मिनट दूरी पे है आपका डेस्टिनेशन है और आप सोचे 15 मिनट है मैं पहले निकलूँगा, नहीं, उसमें भी टाइम लगता है, आप नीचे आते हो, आपको लिफ्ट से आने में टाइम लगता है, आप रोड क्रॉस करते हो, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो वही आज अब अगर आप लॉकडाउन खोलते हैं तो आपको पटरी पर लाने में 5-6 महीने का वक्त लगता है, ये बात आप ध्यान रखें, ये रिएक्शन टाइम, और इसलिए जितना लंबा खींचेंगे उतना पीछे चले जाते जाएंगे। और ये डर बना लेना कि ये वायरस बिल्कुल ही डेडली है और ये महामारी है, इसके में डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा 380 ट्रिलियन आपके रिकॉर्डेड मेडिकल साइंस नॉलेज में 380 ट्रिलियन वायरसेस, और भी बहुत होंगे, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा वायरसेस नहीं है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस प्रोग्रेस करेगा ये नंबर बढ़ता जाएगा। अब ये सारे वायरसेस कोई एक्चुअली में देखा जाए तो कोई आपको टारगेट करके मारने नहीं आए, अगर आप इसे कोई दैविक शक्ति या दानव की शक्ति वो सब सतन वतन वो सब नहीं बोले तो साइंस के टर्म में ये कोई आपको मानने नहीं आया, ये अपना एक होस्ट ढूंढ रहा है। और बॉडी, ह्यूमन बॉडी, होम्योस्टेसिस एक वर्ड है, इसे बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, हम होम्योस्टेसिस से चलते हैं, होम्योस्टेसिस से ही जीते हैं, और होम्योस्टेसिस जब तक आपकी नेचुरल इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप अच्छा खाते हैं, आप सनलाइट लेते हैं अगर आधा घंटा रोज़, अपनी दिनचर्या को सिंपल रखते हैं, तो होम्योस्टेसिस आपको हमेशा से कैरी करता है राइट डायरेक्शन में। और बैक्टीरियाज, वायरसेस, हम इसके प्रोडक्ट हैं, हम जो भी मरता है इंसान 90% बैक्टीरिया पैथोजन यही मरते हैं, और क्या मरते हैं, 10% ही तो हम हैं और सेल्स, तो ये कोई आपको नुकसान करने नहीं आया है, ये उनका अपना जो भी है हैबिटेट है। और बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी है, किसी दवा में कैपेबिलिटी नहीं है, डेक्सामेथासोन में नहीं है, स्ट्रॉय मेट्रोल में नहीं है, और उसके साइड इफेक्ट्स वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, केवल ह्यूमन बॉडी ही एक दवा है, फूड, सनलाइट और योर एक्टिविटी, कितना आप एक्टिव हैं, यही एक दवा है, और डर वर से दूर रहना, यही एक दवा है, और आप रिकवर कर सकते हैं। बिलीव इन यू होम्योस्टेसिस इफ यू वांट टू बिलीव इन समथिंग दैट इज़ ट्रू। तो ये बोलना कि एक वायरस, क्या आपको पता है कि बाकी सारे वायरसेस कोई नुकसान नहीं करते, यही एक सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला वायरस, इससे ज़्यादा भयानक डेडली वायरस आया कभी आपके लाइफ में? शायद आपको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आई लाइक कुछ हुआ कुछ साल पहले और आप ठीक हो गए, और आप बिना वैक्सीन के ठीक हुए थे, बिना किसी दवा के, स्टेरॉइड के, बिना वाइट फंगस के साइड इफेक्ट वो सब के आप ठीक हुए थे, ये हो चुका है आप सबके लाइफ में, आप याद कीजिए कब आप बीमार पड़े थे पिछली बार। तो हम यही हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये ह्यूमन इवोल्यूशन, जो ह्यूमन जो प्लेसेंटा है मैं पढ़ रहा था वो वायरस इसी की इवोल्यूशन से है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको माने, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक हेलिकोबैक्टर, बहुत सारे बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर है, अब ये बहुत ज़्यादा अनुपात में हो गया आपके, इसमें तो अल्सर हो सकता है,
बहुत कम अगर है तो भी आपको अस्थमा हो सकता है। तो ये जो अनुपात है इसके पीछे अगर आप रिडक्शनिस्ट अप्रोच से जाएंगे तो आपको सालों साल लग जाएंगे। ये वही बात है जैसे अंतरिक्ष खोजने हम निकले हैं, अच्छी बात है खोजिए, लेकिन हमारे और आपके लाइफ टाइम में हम अंतरिक्ष खोद लेंगे, पूरी दुनिया का रहस्य जान लेंगे और कभी कोई मरेगा ही नहीं, ये बेवकूफ़ी है, उसमें जाइए मत। वही चीज़ हम जो मैक्रोकॉज्म में कर रहे हैं वही गलती माइक्रोकॉज्म में कर रहे हैं। और जितना आप सोचेंगे, 5 मिनट अगर आप सोचने लगे ना कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ आपके हाथ के बीच में इतने सारे वायरस इतने बैक्टीरिया और उस पर ध्यान करने लगे, आप देखें आप डरने लगेंगे और आपके यहाँ दर्द होगा वहाँ दर्द होगा, जैसे आपने टेंशन दिया आपको दर्द होने लगेगा और अजीब अजीब लगने लगेगा, इतने सारे वायरस क्या क्या कर रहे होंगे, माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे और देखेंगे एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और आप डरने लगेंगे अरे मेरी बॉडी के अंदर वायरस लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ होम्योस्टेसिस, योर नेचुरल इम्यूनिटी इज एनफ। 20 से 30 साल बाद आज से आप देखेंगे लोग विश्वास करना बंद कर देंगे कि आपके दादाजी पर दादाजी बिना नींद की गोली के सोते थे, बिस्तर पे लेटते थे और सो जाते थे, वो बोलेंगे कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है, एक इंजेक्शन भोगो तभी तो नींद आएगी, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस फिर अचेतन कैसे सो जाओगे, ये वही होगा। आज US में न्यूयॉर्क में मैं पढ़ रहा था कि 3 में से 1 out of 3 पीपल कैन नॉट स्लीप एट नाइट विदाउट स्लीपिंग पील्स, और जो US में होता है वही चीज़ भारत के पहले सिटीज़ में होता है, फिर टियर 2 टाउन्स में होता है, टियर 3 टाउन्स में होता है, फिर विलेजेस में होता है, वही चीज़ होता है। हम जो हैं हम वही उसी को कैरी करते हैं, हमारी सारी मेडिकल परीक्षा जो है वही है, फ्लेक्सा रिपोर्ट से के बाद जो एक ओवरऑल हुआ था बहुत क्रांतिकारी कदम, उसी के बाद जो वहाँ चला वो यही है, हमने थोड़ी ना बनाया है। ये डॉक्टर्स बहुत एक से एक हैं, मुझे अगर कभी डॉक्टर के पास जाना होगा तो मैं भारत के डॉक्टर के पास जाऊँगा, वर्स्ट केस में अगर मुझे बिल्कुल वैक्सीन आप बोलेंगे लगाओ तो मैं केवल को वैक्सीन लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे भारत के डॉक्टर्स के अलावा कहीं पे भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ उनकी रिडक्शनिस्ट अप्रोच, मैं ये भी जानता हूँ वो जो भी रिसर्च करते हैं अपने को ध्यान में रख के करते हैं और वो निकम्मे लोग हैं, भारत के परिवेश भारत की डाइवर्सिटीज़ को वो नहीं समझते हैं अपने रिसर्च में। नंबर टू, उनके जो रिसर्च होते हैं साइंस ब्रेक थ्रू पीएचडी में रिसर्च अगर आप में कोई करता है दो तरह के होते हैं, बेसिक रिसर्च और एडवांस रिसर्च। ये बेसिक रिसर्च जो है इस पे बहुत कम काम करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो एडवांस काउंटर इंट्यूटिव रिसर्च है इस पे कॉर्पोरेट फंड होता है, ब्रेक थ्रूज इसी पे ज़्यादा रिसर्च होते हैं। तो बुनियादी चीज़ जो है वेस्टर्न मेडिकल साइंस में बहुत खोखली है इस वजह से, क्योंकि कोई वहाँ पीएचडी करके भूखो मरना नहीं चाहता, दे वॉन्ट ए टेन्योर ट्रैक जॉब, और ब्रेकिंग न्यूज़ इसी में है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और एक दूसरे को ब्लेम करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये लड़ाई एलोपैथी होम्योपैथी यूनानी ये सब छोड़िए, व्हाट वर्क्स फॉर यू इज़ योर बेस्ट पैथी। और मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ द ओनली वे टू डील विद कोरोना वायरस इज़ टू नॉट थिंक अबाउट कोरोना वायरस। इन सब चीज़ को दिमाग से शट कर दीजिए, 10 दिन तक अपने घर में रहिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, खाइए फ्रूट खाइए, सिंपल खाना खाइए और सनलाइट 35 मिनट रोज़ लीजिए। हाशिम अल गेली का एक वीडियो मैंने देखा था और वो बहुत क्रेडिबल कंटेंट प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था कि सनलाइट डीएक्टिवेट्स कोरोना वायरस बाय 8 times, लेकिन और पूरे पेपर्स के साथ हैं वो, लेकिन आप जानते हैं अब इसमें कॉन्स्पिरेसीज है स्कैम है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन सनलाइट को नहीं माना जाएगा, फैक्ट चेक। अभी आप सुनेंगे कुछ समय बाद फैक्ट चेक, सनलाइट डज नॉट क्योर कोरोना वायरस। भारत जैसा देश जहाँ पे 12 महीने सनलाइट होती है धूप होती है, ऐसे देश को डराया जा रहा है एक वायरस से एक फ्लू से, और बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल अनोखा एक महामारी, सेकेंड वेव है थर्ड वेव बच्चों को टारगेट करेगा, फोर्थ वेव किसको करेगा, शायद भालू बंदर ये लोगों को करेगा। चलिए ठीक है, वेव्स पर वेव्स बनाइए, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ करते रहिए और लॉक करके रखिए, सबका दम घुटने दीजिए और यही कीजिए, थोड़ा बहुत मार्केटिंग कर दीजिए और चलिए या तो जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, और अगर मेरी बात सुने अपनी नेचुरल इम्यूनिटी पे भरोसा रखिए और खोल दीजिए, क्योंकि अगर आप आज खोलेंगे तो सब कुछ पटरी पे अचानक नहीं आएगा, 5-6 महीने लगेंगे ही। बिलीव इन योर नेचुरल इम्यूनिटी, डू नॉट थिंक अबाउट कोरोना वायरस, टेक सनलाइट, टेक गुड फूड एंड यू आर गुड टू लिव दिस लाइफ जस्ट लाइक द वे यू यूज टू लिव फॉर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। ह्यूमन बॉडी एंड माइंड इज अ केस ऑफ मिलियंस एंड ईयर्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन।